दोस्तों आप लोगों ने इस तरह की वीडियोस तो जरूर देखी होंगी, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस तरह की वीडियोस पे बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं और ये बहुत ज्यादा वायरल्स होती हैं। इस तरह की वीडियो आपने ज्यादातर इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब शॉर्ट पर जरूर देखी होंगी। इन वीडियोस में कैप्शन लिखा हुआ होता है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा लगता है देखने में, और जितने भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है इस तरह के कैप्शन को लिखने के लिए, वो सभी के सभी पेड है या फिर उनके ऊपर वाटर मार्क आता है। इसी तरह से जितने भी AI टूल्स हैं उनके ऊपर भी वाटर मार्क आता है, वो सभी पेड है। तो आइए आज मैं आप लोगों को ऐसा जेन्युइन तरीका बताने वाला हूं जिससे आप अनलिमिटेड कितनी भी वीडियो के ऊपर कैप्शन जनरेट कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल खान और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल टेक्सा हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि किस तरह से हमें अपनी वीडियोस में, अपनी शॉर्ट में, अपनी रील्स के अंदर ऑटो कैप्शन जनरेट करना है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर, फिर मैं आपको बताता हूं क्या करना है। मैं आप लोगों को एक पॉइंट और बता देता हूं, यहां पर जो भी स्मार्टफोन से अपनी वीडियोस को एडिटिंग करते हैं उनके लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा। बस आपको एक कैपकट चाहिए या कोई भी आपके पास वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल करेंगे, और आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, बाकी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों हम आ गए अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर, और अब आ जाना है आप लोगों को सबसे पहले क्रोम पर, और क्रोम पर आपको गूगल में सर्च करना है कैपविंग। और यहां पे कैपविंग सर्च करते ही आपकी ये पहली वेबसाइट आप देख रहे होंगे, यहां पर आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का एक इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। अब यहां पर आपको क्या करना है, सिंपली यहां पर आप गेट स्टार्ट यहां पर आपको दिख रहा होगा, देखिए यहां पर इस जगह पर, इस पर आप क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के अब आपके लिए साइन इन करने के लिए ये पूछेगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे गूगल से कर लेना है इसे लॉगिन, कोई भी आईडी जो आपके पास हो। यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो दोस्तों लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, और अब इसको उठाकर एक साइड में रख लेना है क्योंकि अभी इसका थोड़ी देर में हमें काम करना है। तो हमें सिंपली क्या करना है, इसे मिनिमाइज करते हैं। अब आपके मोबाइल फोन में या आपके डेस्कटॉप के अंदर एक कैपकट एप्लीकेशन होना चाहिए या कोई भी वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए। तो सिंपली मैं यहाँ पर कैपकट ओपन कर लेता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, और ये दोस्तों देखिए मेरे पास में ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया है। अब यहाँ पर मैं अपनी जो मेरी वीडियो है जिसपे मैं टेक्स्ट लगाना चाहता हूँ, कैप्शन लगाना चाहता हूँ, उसको यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेंगे सिंपली, और ये इंपोर्ट हो गई है। मैं इस वाली वीडियो के ऊपर क्या करना चाहता हूँ, अपनी कैप्शन लगाना चाहता हूँ। आप इसे एक बार देखेंगे सुनकर तो आपको कुछ इस तरीके की दिखाई देगी, मैं सुनाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों आजकल आप लोग जानते हैं कि AI के टेक्स्ट द्वारा हम लोग वीडियो ही बना सकते हैं और ऑडियो, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूं ताकि जो है हमारा जनरेटिंग जल्दी हो जाए, बस मुझे आपको सिखाना है, लगाना नहीं है। तो यहां पर मैं इतनी ले लेता हूं, तकरीबन 10 सेकंड या 12 सेकंड की ये मेरी वीडियो है, इतना कर लेते हैं। और इसके बाद आपको सिंपली अब क्या करना है, यहां पर इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको ब्लेंड एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहां पर ये देखिए ब्लेंड दिख रहा है। अगर आप डेस्कटॉप वर्जन चला रहे हैं यानी कि PC वर्जन चला रहे हैं तो आपको यहां दिखेगा, वरना आपको नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ओपेसिटी। तो आपकी ओपेसिटी को इसको जीरो कर लेना है बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल एक ब्लैक पर्दा बन जाएगा आपका। ये आप मोबाइल फोन में भी सेम ऐसे ही करेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट में हम बिल्कुल गिरी हुई क्वालिटी रखेंगे, बहुत ही गिरी हुई क्वालिटी, बस हमें सेव करना है। तो ये हम सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पर, ये देखिए तो बिल्कुल लो क्वालिटी में मैंने ये सेव कर लिया। अब आप देखेंगे तो ये रही दोस्तों, आजकल आप लोग जानते हैं इसमें सिर्फ हमारी आवाज है, वीडियो नहीं है, ब्लैक पर्दा है। अब आते हैं हम अपने क्रोम पर जहां पर हमने वेबसाइट को लॉगिन किया था। अब यहां पर आने के बाद न्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। यहां पर ये कह रहे हैं अपनी वीडियो को आपको क्या करना है, अपलोड करना है। तो यहां पर मैं डेस्कटॉप पर मेरी वीडियो पड़ी है ये है, और मैं इसको यहां पर कर देता हूं अपलोड। दोस्तों एक इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यहां पर दोस्तों, ये देखिए सबटाइटल का। तो यहां पर हम सबटाइटल पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, एक इस तरह का आपको ऑप्शन आ जाएगा। आपको अब यहां पर ऊपर दिखाई देगा दोस्तों एक ये ऑप्शन ऑटो सबटाइटल। तो यहां पर आप जनरेट पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद ऑटो सबटाइटल, यहां पर आप अपनी लैंग्वेज चूज कर लीजिए किसमें आपको रखना। ओरिजिनल लैंग्वेज हमारी हिंदी है, तो हम यहां पर हिंदी सर्च कर लेंगे। ध्यान से देखिए हिंदी, ये आ गई हिंदी। अब यहाँ पर है जिस लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करना है उस लैंग्वेज को यहाँ रखना है। मैं यहाँ पर इंग्लिश रख लेता हूँ, तो देखिए इंग्लिश, क्योंकि मुझे सबटाइटल इंग्लिश में चाहिए तो मैं यहाँ इंग्लिश रख लेता हूँ। यहाँ पर ऑटो सबटाइटल पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब ये थोड़ा टाइम लेगा, और टाइम लेने के बाद आपका ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा आपके सारे के सारे सबटाइटल। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारे ये ऑटो कैप्शन जनरेट हो चुके हैं, एक बार सुनकर देख लेते हैं। दोस्तों आजकल आप लोग जानते हैं कि AI के टेक्स्ट द्वारा हम लोग वीडियो भी बना सकते हैं और ऑडियो भी बना सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता फ्री में ऑडियो किस तरह
तरह से बनाते हैं टेक्स्ट के थ्रू, तो आप लोग मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने बताया है कि किस तरह से आप टेक्स्ट, तो ये हमारे यहाँ पर टेक्स्ट जनरेट हो गए हैं। अगर आपको कोई यहाँ पर गलती दिखाई देती है अपनी, तो यहाँ से आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ जितने बॉक्स के अंदर जितने भी आपको ये दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से आप लोग इसको चेक भी कर सकते हैं कि जो भी आपकी यहाँ पर स्पेलिंग गलत है उसको आप ठीक कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि दोस्तों यहाँ पर मुझे ये कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं इसे ऑटोमेटिकली ही अपनी तरफ से जो भी आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। तो मैं AI यहाँ पर मान लेते हैं ऐसे करके लिख देता हूँ इस तरह से, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है आपको दिखाने के लिए ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो इस तरह से तो ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, किसी भी सबटाइटल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपको सी ऑल पे क्लिक करेंगे इधर की साइड में, तो बहुत सारे आपके ट्रेंडिंग जितने भी चलते हैं वो यहाँ पर आपके आ जाएंगे। और एक बात और, मैं इन सबटाइटल को थोड़ा सा मैं ऊपर रख लेता हूँ इस जगह पर, ठीक है, चूंकि ये ब्लैक स्क्रीन है तो इस समय फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मैं यहाँ पर रख लेता हूँ ये वाला, अब इसे देखते हैं प्ले करके कि कौन से वाले हैं ये। दोस्तों आजकल आप लोग जानते हैं कि AI के टेक्स्ट द्वारा हम लोग वीडियो भी बना सकते हैं और ऑडियो भी बना सकते हैं। अगर देख रहे हैं आप लोग कितनी अच्छी लग रही है, आप चाहे तो ये वाला भी लिख सकते हैं। आप लोगों को नहीं पता फ्री में ऑडियो किस तरह से बनाते हैं टेक्स्ट, इसमें ट्रेंड के बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं चेक करके जो भी आपको अच्छा लगे। तो मैं सिंपली ये वाला रख लेता हूँ, ये मुझे ठीक लग रहा है। और बैक आते हैं यहाँ पर, करने के बाद मैं इसको बीच में ले लेता हूँ मेडल। और अब देखते हैं, जानते हैं कि AI के टेक्स्ट द्वारा हम लोग वीडियो भी बना सकते हैं और ऑडियो भी बना सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता फ्री में ऑडियो किस तरह से बना, ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। और एक्सपोर्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ MP4 दिखाई दे रहा होगा, MP4 या 720 पिक्सल, जो भी आपको करना है वो कर लीजिए। और यहाँ पर मैंने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और ये यहाँ पर कुछ सेकंड में आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो सिंपली दोस्तों ये डाउनलोड हो गया है, यहाँ पर डाउनलोड का आपको बटन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए किस तरह का आपका पॉपअप आ जाएगा। पॉपअप मतलब यहाँ से इसे सेव कर सकते हैं, और मैं यहाँ से इसे डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लूँगा। आपको पता ही है हम डेस्कटॉप पे इसका नाम दे देते हैं एक, चलिए मैं CCCC दे देता हूँ। और इसको यहाँ से हम कर लेंगे डाउनलोड, और ये डाउनलोड हमारा हो भी गया है। एक बार पहले सुन के देखते हैं दोस्तों, आजकल आप लोग जानते हैं कि AI के टेक्स्ट द्वारा हम लोग वीडियो भी बना सकते हैं और ऑडियो। तो देख रहे हैं दोस्तों आप लोग, ये हमारे कैप्शन जनरेट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इस वीडियो को जो हमने वीडियो डाउनलोड की है, इस वीडियो को उठाकर हम लेकर जाएंगे अपने कैपकट में। और ये आ गए हम अपने कैपकट में, और यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। जो हमारी ओरिजिनल वीडियो की जो ओपेसिटी है उसको हम फुल कर देंगे, जैसी थी वैसी कर देंगे। और उसके बाद में दोस्तों जो हमने अभी टेक्स्ट वाली वीडियो बनाई है उसको इसके ऊपर लाके रखेंगे। और ऊपर लाके रखने के बाद देखिए बिल्कुल इसके ऊपर फिट हो जाएगी। और फिट के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहां से इसके वॉल्यूम को आपको खत्म कर लेना है। यहां पर आएंगे आप ऑडियो के अंदर, आपको दिख रहा होगा, और इस वॉल्यूम को आपको खत्म कर लेना है। मोबाइल फोन के अंदर भी आपको वॉल्यूम मिलेगा नीचे की तरफ, तो वहां से आप इसको ऑफ कर देंगे पूरी तरह से। हमें सिर्फ ऑडियो अपनी ओरिजिनल वीडियो की चाहिए। उसके बाद में दोस्तों में क्या करना है, यहां पर आप देख सकते हैं ये छोटा सा आपका ये लोगो आ रहा है, यहां पर देखेंगे आप जिस वेबसाइट का लोगो आ रहा है जिस हमने बनाया है, इसको हटाने का बड़ा सिंपल तरीका है, आप क्रॉप कर दीजिए इस वीडियो को। तो हम क्या करेंगे, नीचे से इतना काट देंगे और ऊपर से हम इतना काट देंगे, और काटने के बाद इसे कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद आपका ये कुछ इतना आपको दिखाई देगा। अब दिखाई देने के बाद इसे फिट कर लेंगे, और यहाँ पर आप आएंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन में, ये देख ही सकते हैं आप, यहाँ पर ये ब्लेंडिंग ऑप्शन है। ब्लेंडिंग ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर आकर के स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद अब जब आप इसे प्ले करेंगे तो आपकी ब्लैक स्क्रीन गायब हो चुकी होगी, अब सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट रह जाएगा। देखिए दोस्तों आजकल आप लोग जानते हैं कि AI, ठीक है, तो हम इसे ठीक तरह से कहीं पर सेव कर लेते हैं, यहाँ पर लगा लेते हैं इस जगह पर। अब देखते हैं दोस्तों आजकल आप लोग जानते हैं कि AI के टेक्स्ट द्वारा हम लोग वीडियो भी बना सकते हैं और ऑडियो भी बना सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता फ्री में ऑडियो किस तरह से बनाते हैं टेक्स्ट के थ्रू, तो आप लोग मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने बताया है कि किस तरह से आप, तो देख लें दोस्तों आप लोग इस तरह से हम अपनी कितनी भी वीडियो के ऊपर ऑटो कैप्शन लिख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई लोगो नहीं आएगा, कोई भी आपको पेड वर्जन नहीं खरीदना है किसी भी चीज का, ना ही आपको पेमेंट करना है। तो इस तरह से आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कैप्शन लिख सकते हैं, अपने हिसाब से इसे कहीं भी लगा सकते हैं जहां आपको अच्छा लगे। जैसे मैं बीच में लगाकर देखता हूं, इसे बनाते हैं टेक्स्ट, जैसे मुंह पर आ रहा है मेरे, तो इसे थोड़ा सा आप एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ये मैंने नीचे पहले से ही एडिट कर रखी थी और मैंने फिर ये डाउनलोड करी है अपने यूट्यूब चैनल से, और फिर उसके बाद मैं इसे एडिट कर रहा हूं, तो इसलिए आपको ये आ रहा है। लेकिन जब आप ऑटो कैप्शन लगाएंगे तो नीचे पुन जो आ रहे हैं इनको आपको नहीं लगाना है, ठीक है, तो अब हिसाब से लगाना है आपको। और इसका साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर स्केल में आप
आपके जितना चाहे उतना छोटा उतना बड़ा आप जितना चाहे कर सकते हैं, तो फुल कंट्रोल हमारे पास में है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे फिर सेव करना चाहें तो यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। तो सिंपली जितने चाहे आप लोग कैप्शन लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लाल बटन आपको दिखाई दे रहा है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, वरना आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैं न्यू अपडेट अपलोड करता रहता हूं, वीडियो से रिलेटेड, अपनी लाइफ से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं मेरे पास उनसे रिलेटेड। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। YouTube पे आए हैं सारे टेक्निकल भाई, जिनके वीडियो से होगी कितनी तरक्की के पाइस। मेरा नाम हमारा टेक्निकल नॉलेज का संचार, साथ लेके आए हर YouTube पे हमारा प्यार। टेक्निकल सहो सबको सिखाए YouTube पे टेक्निकल सहो, हर सवाल का जवाब ये टेक्निकल गुरु। टेक्निकल सहो, टेक्निकल सहो।